दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बॉडी बिल्डर के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने ऑन स्टेज अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को बीट कर दिया था। सो ये कौन बॉडी बिल्डर थे, क्या ये नेचुरल थे, क्या इन्होंने स्टेरॉइड्स यूज़ किया था और क्या थी इनकी पूरी लाइफ जर्नी, पता करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट स्टार्ट। Won't you come and see what it's like? Living by the rules that you write. You ain't not those lavish delights. Now you had no back in sight. All the little lies you recite just makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्शल मुदिराज और मैं अपने चैनल पर देता हूँ बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड हर कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास अवेलेबल है, वीकली अपडेट्स, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है बॉडी बिल्डिंग में, एथलीट्स के बारे में, उनके ऊपर बायोग्राफीज, रिव्यूज और इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का आइकॉन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब के ऊपर तो यूट्यूब आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे बॉडी बिल्डर के बारे में बताने वाला हूँ जिनका नाम शायद ही आपने आज तक सुना होगा। और वो इतने पॉपुलर बॉडी बिल्डर क्यों है और उनको क्यों द फादर ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। तो कोई सस्पेंस ना रखते हुए मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि आज बात होने वाली है शेट योर्डन के ऊपर। तो मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शेट योर्डन का नाम नहीं सुना होगा। मैंने भी नहीं सुना था जब तक मैंने इनके ऊपर रिसर्च करनी स्टार्ट करी और मुझे सोचा कि इतने लेजेंडरी बॉडी बिल्डर हैं और आज तक इनके ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बने यूट्यूब के ऊपर। आप सोच के देखिए, शेट योर्डन को फादर ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है, उनको किताब मिला है फादर ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का। सो इतने लेजेंडरी एक अगर कोई बॉडी बिल्डर होंगे तो उसके ऊपर ज़रूर आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो बात करते हैं कंप्लीट शेट योर्डन की लाइफ जर्नी के बारे में, कैसे वो बॉडी बिल्डिंग में आए, कैसे उन्होंने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को बीट किया और क्यों वो लास्ट तक नेचुरल बॉडी बिल्डर ही रहे, इसके ऊपर आज बात करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शेट योर्डन की अर्ली लाइफ के बारे में कि वो बॉडी बिल्डिंग में कैसे आए। तो ये सब स्टार्ट होता है 1940 में जब शेट योर्डन का जन्म हुआ अमेरिका में। सो शेट योर्डन ने कभी नहीं सोचा था कि वो बॉडी बिल्डिंग में जाएंगे या एक लेजेंडरी बॉडी बिल्डर बनेंगे या फिर सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाके कम्पीट भी करेंगे, ये उनका गोल कभी नहीं था। सो जैसे उनकी हाई स्कूल की लाइफ ख़त्म हुई और वो अपनी आगे की लाइफ कंटिन्यू करना चाहते थे, एक मेजर उनका एक ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट हो जाता है। उस कार एक्सीडेंट में उनके लेफ्ट हैंड के रिस्ट, फोरआर्म, एल्बो और उनका लेफ्ट आई डैमेज हो जाते हैं। उसी तरीके से उनका राइट लेग का जो थाई बोन है वो भी डैमेज हो जाता है। तो ऑफ कोर्स उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं और हॉस्पिटल में वो 4 महीने बिताते हैं। सो इन 4 महीनों में जब वो रिकवर हो रहे होते हैं वो बेड से लेके व्हील चेयर पर आ जाते हैं, इतने रिकवर तो हो जाते हैं कि वो व्हील चेयर पर आ जाए। सो एक दिन जब वो व्हील चेयर पर होते हैं अपने और वो देखते हैं कि हॉस्पिटल में अलग अलग रूम्स हैं और एक रूम के अंदर एक कॉर्नर में कुछ डंबल्स रखे हुए हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर मैं इन डंबल्स को यूज़ करूं और कुछ वर्कआउट कर लूं तो शायद मेरा रिकवरी फास्टर हो जाए। तो अपने डॉक्टर से और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं कि क्या वो डंबल्स यूज़ कर सकते हैं अपने रिकवरी के लिए। सो डॉक्टर और उनके फिजिशियंस उनको रिकमेंड करते हैं कि ठीक है, आप वो डंबल्स यूज़ कर सकते हैं, आप जैसा चाहिए वर्कआउट कर लीजिए हल्का फुल्का ताकि आपको रिकवरी में थोड़ी सी मदद हो जाए। तो शेट योर्डन वो डंबल्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और 7 महीनों के अंदर शेट योर्डन 55 पाउंड्स मसल गेन कर लेते हैं। आप सोच के देखिए, जो एक आदमी अगर व्हील चेयर पर होगा सिर्फ कुछ डंबल्स को यूज़ करके अपना बॉडी वेट, अपना मसल मास 55 पाउंड्स तक गेन कर लेता है सिर्फ 7 महीनों के अंदर। तो यही सबको पता चल गया था कि शेट योर्डन नेचुरली और जेनेटिकली काफ़ी गिफ्टेड है मसल मास में। तो शेफ योर्डन सोचते हैं कि अगर इतना मसल मास और मसल गेन में कर सकता हूं तो क्यों ना एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेला जाए, एक बॉडी बिल्डिंग में देखा जाए कैसे होता है। तो वो उसी हिसाब से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आने वाले कुछ सालों तक शेफ योर्डन ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार
जब उनको लगता है कि एक फिजिक बन चुकी है उनकी, तो वो बॉडी बिल्डिंग में जाके कम्पीट करना शुरू कर देते हैं। सो बात करते हैं शेफ योर्डन के बॉडी बिल्डिंग करियर के बारे में। सो शेफ योर्डन ने अपना सबसे पहला जो कंपटीशन खेला था वो था 1966 का नेबा मिस्टर यूनिवर्स। वो कंपटीशन उन्होंने जीत लिया। उसके बाद उन्होंने वापस नेबा का आर्मेचर प्रो मिस्टर यूनिवर्स खेला था, वो भी कंपटीशन उन्होंने जीत लिया। उसके बाद उन्होंने 1975 का नेबा मिस्टर यूनिवर्स जो ओवरऑल कैटेगरी होता है वो खेला, वो भी उन्होंने जीत लिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि 1966 का जो मिस्टर यूनिवर्स हुआ था उसमें शेफ योर्डन ने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को बीट कर दिया था। तो हम जानते हैं कि बहुत ही कम ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को बीट किया है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बहुत ही डोमिनेटिंग बॉडी बिल्डर थे अपने एरा के, और बहुत कम लोग थे जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को ऑन स्टेज चैलेंज भी कर सकते थे। शेफ योर्डन उनमें से एक थे, और बिना किसी ड्रग को यूज़ किए हुए, बिना कोई सिंथॉल या ऑयल यूज़ किए हुए, या बिना स्टेरॉइड्स को यूज़ किए हुए आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को नेचुरली इन्होंने शेफ योर्डन ने बीट कर दिया। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि और कौन से ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने ऑन स्टेज आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को बीट किया है। देखते कि आपका भी कितना नॉलेज है, आप भी कितने इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में, ज़रूर मैं देखना चाहूँगा। तो कमेंट्स में जाके अभी कमेंट कीजिए अगर आपको पता है कि ऐसे कौन बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को ऑन स्टेज बीट किया है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इनके अगली लाइफ के बारे में बात करते हैं। सो अब बात करते हैं कि क्यों शेफ योर्डन कम्प्लीटली अगेंस्ट थे स्टेरॉइड्स यूज से। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड्स ले और कम्पीट करे। तो ये सब हुआ कैसे? सो ये सब स्टार्ट होता है 1964 में, जब शेफ योर्डन 1966 का मिस्टर यूनिवर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जब वो अपने जिम में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि जो जिम का ओनर है, जो जिम का एक टॉप मेंबर है, वो अपने बाकी कलीग्स को स्टेरॉइड्स यूज़ के बारे में सजेस्ट करता है। सो शेफ सोचते हैं कि ये क्या है, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, क्या इससे लेने से बॉडी सच में बढ़ जाती है? तो देखते हैं कि हाँ, स्टेरॉइड्स लेने से कुछ फ़ायदा तो ज़रूर है, लेकिन स्टेरॉइड्स लेना क्या हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं, इसके ऊपर वो अभी भी श्योर नहीं होते। ऑफकोर्स वो इम्प्रेस हो जाते हैं स्टेरॉइड्स यूज़ से कि हाँ, स्टेरॉइड्स कुछ होता है, उसको यूज़ करते ही आप और मसल मास बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर और जानने के लिए वो अपने एक फ्रेंड होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे कंसल्ट करते हैं। तो डॉक्टर उन्हें वहाँ पे बताते हैं कि स्टेरॉइड यूज़ के साइड इफेक्ट्स कितने डिवेस्टेटिंग हो सकते हैं। स्टेरॉइड्स यूज़ करने से आपके हेयर लॉस हो सकते हैं, आपका बबल कट एक्सटेंड हो सकता है, आपके आपको ओल्ड एज में काफ़ी तकलीफ हो सकती है, या फिर आपको एक्सट्रीम केस में हार्ट अटैक तक आ सकता है। ये सब सुनने के बाद शेफ योर्डन डिसाइड करते हैं कि ना ही मैं स्टेरॉइड यूज़ करूँगा और ना ही कभी स्टेरॉइड यूज़ को प्रमोट करूँगा। तो वो इस जर्नी को, यानी कि अपने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की जर्नी को कंटिन्यू करते रहते हैं। ये बात आगे बढ़ती रहती है और 1975 में शेफ योर्डन अपना खुद का एसोसिएशन खोल देते हैं, जिस एसोसिएशन को हम जानते हैं NBA के नाम से। NBA का फुल फॉर्म है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन 1975 में शेफ योर्डन खोल लेते हैं और उसमें फिर सारे जो नेचुरल बॉडी बिल्डर थे वो कम्पीट करना स्टार्ट कर देते हैं। शेफ योर्डन इस कंपटीशन के और इस एसोसिएशन के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट रखते हैं कि हर एक एथलीट को चेक किया जाता था कि कोई भी वो ड्रग नहीं ले रहा है, और ड्रग टेस्टिंग होती थी हर एक एथलीट की जब वो NBA में कम्पीट करता था। सो ये सब बढ़ते रहता है और जब शेफ योर्डन एक पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं, एक पूरा एक उनको सपोर्ट मिलता है नेचुरल बॉडी बिल्डर से, तब वो 1981 में आके अपना खुद का मैगजीन चालू कर देते हैं और उस मैगजीन का नाम रखते हैं नेचुरल मैगजीन। और इस नेचुरल मैगजीन में वो हर एक नेचुरल बॉडी बिल्डर को मेंशन करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और ये सारा नॉलेज पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं कि देखिए, नेचुरली आप फिजिक बना सकते हैं, नेचुरली आप कम्पीट भी कर सकते हैं, और नेचुरली आप अच्छी बॉडी बना सकते हैं और कम्पीट करके अपना नाम बना सकते हैं। स्टेरॉइड्स को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेरॉइड से दूर रहिए और नेचुरली कम्पीट कीजिए। मैंने भी जब इसके ऊपर पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैं भी बहुत फैसिनेट हो गया था कि हाँ, कोई बॉडी बिल्डर तो है ऐसा जो स्टेरॉइड्स के अगेंस्ट है और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करता है। तो बात करते हैं कि आगे इसके बारे में क्या हुआ, क्यों शेफ योर्डन को फादर ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कहा गया था।
नवंबर 13, 2004 को OCB यानी कि अदर कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, इस एसोसिएशन ने डिसाइड किया था कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में जो भी लोग प्रमोट कर रहे हैं उनके ऊपर एक और कंपटीशन बनाया जाए। तो OCB ने 2004 में नवंबर 13 को एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और उस कंपटीशन का नाम था योर्डन्स कप, यानी कि शेट योर्डन के नाम से ही वो ऑर्गेनाइज किया गया था योर्डन्स कप। और उसी कंपटीशन में शेट योर्डन को फादर ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का नाम मिला था। और इसी तरीके से उस एसोसिएशन ने जब इनको नाम दिया शेट योर्डन को फादर ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, तब से शेट योर्डन फादर ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। तो आप लोग मुझसे पूछे रहते हैं कि क्या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, कोई है जिसने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट किया होगा? तो आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि यस, एक बॉडी बिल्डर थे ऐसे शेट योर्डन के नाम से। और आप देख ही सकते हैं, अगर जेनेटिकली आप इतने गिफ्टेड हो तो आप नेचुरली कम्पीट कर सकते हो। और इन्होंने तो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को तक बीट कर दिया था। सो आप सोच ही सकते हैं कि किस लेवल की फिजिक शेट योर्डन लेके आए होंगे। सो गाइज, ये था कंप्लीट वीडियो शेट योर्डन के लाइफ के ऊपर, एंड आई होप आपको कुछ पता चला होगा, आप थोड़े मोटिवेट हुए होंगे, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। तो जो भी आपने इस वीडियो से सीखा है कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। आप बताइए आपको शेट योर्डन के बारे में क्या पसंद आया, क्या सोचते हैं आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और स्टेरॉयड यूज केमिकल सब्सटेंस एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग के बारे में। आपके व्यूज और सजेशंस में हमेशा पढ़ता हूँ और उस पर उसी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये स्पेसिफिक वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये था कंप्लीट वीडियो शेट योर्डन के ऊपर, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम मार्शल मुदिराज, साइनिंग आउट।